इस वीडियो में मे भी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा मैं ज़्यादा, मतलब डीप में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। मैं बस ऊपर ऊपर से ये बताऊंगा कि एआई डेंजरस नहीं है अगर आप सही से इसको यूज़ करो तो। का कैरियर में ये बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्हें लग रहा है कि एआई उनकी जॉब खा सकता है। उनके लिए मैंने डिसाइड किया कि अभी से इस चैनल पे मैं कुछ कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगा जो एआई को कवर करेंगे और कैसे हम अपने मेन रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे एआई को अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग सब कैसे एआई को यूज़ करके एक नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर रेवेन्यू सिस्टम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस भी मैं बनाया करूँगा। और एक मैंने नया प्लेलिस्ट बनाया है अपने ही चैनल पे, ओनली एआई कंटेंट करके एक प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल पे, उस पर सिर्फ एआई कंटेंट से मिलेंगे, उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। सीजी के लिए अलग कंटेंट है, एआई के लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलते जाएंगे इन फ्यूचर। जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें अवेयर करनी है, तो वैसे वैसे मैं नए प्लेलिस्ट बनाते जाऊंगा और वैसे वीडियोस भी बनाते जाऊंगा। फिलहाल आते हैं एआई वाले पार्ट पे। एआई फिलहाल के टाइम पे तो 10 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा कोई ये नहीं है कि लाइक एआई आ गया तो सब सब लोग अपने अपने जनरेट कर लेंगे कमांड्स और हो गया नॉर्मल वीएफएक्स आर्टिस्ट का करियर खत्म। एआई ना 2024 जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था जब मैंने ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल बनाया था, बनाया तो बहुत पहले ही था लेकिन कंटेंट्स डालना बाद में स्टार्ट किया, तो 2022 में फर्स्ट टाइम मैंने लर्निंग के ऊपर फोकस किया था इस यूट्यूब चैनल पे। तो उस टाइम नया नया एआई आया था 2020 या 21 में, तो उस टाइम भी मैं बोला था कि एआई उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है जितना हम सोच रहे हैं, तो एआई से अभी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2024 आ गया, धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहा है पर अभी भी उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंचा है एआई कि वो हमें रिप्लेस कर दे। हाँ, एक बार को हमारा काम आसान कर रहा है पर वो इतना कैपेबल नहीं है कि रिप्लेस कर दे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी राइटर स्ट्राइक चली थी हॉलीवुड में, बहुत सारे एक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए थे यूएस में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, फिर वो सॉर्ट आउट हो गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि अगर एआई ही सब काम कर ले रहा है तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है, फिर तो हमारी कोई यूज़ ही नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डील्स वगैरह हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें डर है, बड़े बड़े एक्टर्स भी जो हॉलीवुड में हैं या बॉलीवुड में हैं उन्हें भी अभी डर होगा कि लाइक एआई जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो उनकी नौकरी कहीं ना कहीं जाएगी। आप अकेले नहीं हो जो इन चीज़ों को ये सोच रहे हो कि एआई आपकी नौकरी खा रहा है। नौकरी किसकी जा सकती है? नौकरी उसकी जा सकती है जो एआई को अडाप्ट नहीं करेंगे, जिनको आज भी यही लगेगा कि बिना एआई के वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। 2024 में अभी भी ये सोच रहे हो कि आप बिना एआई के हर एक काम कर सकते हो, बिना एआई के आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिलहाल 2024 में तो पॉसिबल नहीं है। आज से 5 साल पहले तक ये पॉसिबल था कि बिना एआई के आप ग्रो कर सकते थे नेचुरल टैलेंट से, पर अभी आपको कहीं ना कहीं एआई यूज़ करना पड़ेगा। और पहले भी बहुत बार ऐसा होता था कि आप सपोज एक नया यूट्यूब चैनल बना रहे हो या फिर कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हो, गाना बना रहे हो, तो सिंगर तो हो, गिटार भी अच्छा प्ले कर लेते हो या कुछ भी, आप सॉन्ग लिखने नहीं जानते हो, सॉन्ग राइटर आप नहीं हो, ठीक है, तो आपको सॉन्ग राइटर को पैसे भी नहीं देने हैं पर आपको खुद के सॉन्ग्स बनाने हैं। ऐसे बहुत सारे इंडी सॉन्ग आर्टिस्ट या इंडी गेम डेवलपर्स जो खुद का ही गेम बनाना चाहते हैं या खुद का ही गाना बनाना चाहते हैं लेकिन वो खुद का लिरिक्स कैसे लिखे नहीं समझ में आता है, या फिर गाना गाना आता है, गाना लिखना आता है लेकिन गाने में ट्यून्स ऐड करना उन्हें नहीं आता है। हर इंसान हर एक चीज़ में पॉसिबल नहीं है वो परफेक्ट हो, ठीक है, इस चीज़ में एआई हेल्प कर सकता है। बस यही बोलना है, पूरे के पूरे वीडियो को अगर शॉर्ट में कंप्रेस करके बताऊँ तो कोई भी आदमी अपने आप में हर एक चीज़ में मास्टरमाइंड नहीं है, उसको किसी ना किसी का जरूरत पड़ेगा ही इन दी एंड। इस बेसिस पे एआई आपका काम आसान करेगा, जो चीज़ आप में आपको वीकनेस लग रहा है कि लाइक आप ये काम नहीं कर सकते उसमें आप एआई का हेल्प ले सकते हो। मान के चलो आप सॉन्ग राइटर हो पर आपको गाना गाने नहीं आता है, तब उसके लिए अलग ऐप है। मान के चलो आप गाना गाते हो या फिर आप गिटार प्ले करते हो पर आपको लिखना नहीं आता है, तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, तो एज अ असिस्टेंट वो आपकी हेल्प कर सकता है। आपको रिप्लेस अभी के टाइम पे, अभी से 5-6 साल तक तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, बाकी का बाद में देखा जाएगा क्या होगा। जिस स्टेज पे अभी हमारा एआई है, जैसे अभी सौरा आया तो बहुत लोग डर गए तुरंत, तो देखो हम डरे, डैट मीन्स कि जो अच्छे खासे लेवल पे 20-25 साल का एक्सपीरियंस लेके जो इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं वो भी डरे होंगे, और उनमें भी ये फियर होगा कि सौरा जिस हिसाब से अच्छा कर रहा है अगले साल हो सकता है उससे भी अच्छा कोई मॉडल आ जाए चैट जीपीटी का या ओपन एआई का, सौरा को भी बीट कर दे। तो देखो होगा कुछ नहीं, जस्ट सिंपल सा बात है कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि एआई में कभी नहीं आ सकता। नॉर्मली अगर आपको कोई चाहिए कि लाइक आपको मूवी देखना है, ठीक है, अब हर एक कोई मूवी बनाने बैठ गया कि कोई भी लिखा कि मेरे को एक मूवी चाहिए इसमें ये हीरो ये विलेन, क्या होगा, एआई बना के तो दे देगा वो मूवी। एक हीरो है जिसमें रणवीर
सिंह हीरो बना है या अमिताभ बच्चन हीरो बना है एंड हीरोइन कोई और है, विलन कोई और है, आपके हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि ये हीरो हीरोइन ऐसा स्टोरी होना चाहिए, आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि स्टोरी कैसा होगा, वो जो स्टोरी बनाएगा उसमें वो फीलिंग्स नहीं ऐड कर सकता है, या फिर वो एआई एक फेस वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकता है जो एक ह्यूमन क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी अमिताभ बच्चन, उसको बोलते हैं बिग बी, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट के हिसाब से। या फिर ऋतिक रोशन को बोलते हैं वो अच्छा एक्शन कर लेते हैं, अच्छा डांस कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका फेस वैल्यू वैसा बना हुआ है, ठीक है। शाहरुख खान को बोलते हैं कि वो रोमांटिक फिल्म्स अच्छी बनाती है, अभी फादर का रोल वो अच्छा कर रहा है, तो मतलब उसका एक फेस वैल्यू बन चुका है हर एरा के हिसाब से अलग, ठीक है। तो फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे पहले बात, जो हर इंसान को अलग बनाता है। अब अरिजीत सिंह अच्छा सिंगर है, वो एक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है। एक्टिंग के मामले में अगर उसको भेज दिया जाए तो वो उतना अच्छा एक्टिंग नहीं करेगा, बेकार एक्टिंग करेगा, जितना अच्छा वो सिंगिंग करता है उससे बेकार एक्टिंग वो करेगा। तो वही बोलना है कि एज अ असिस्टेंट ये एआई काम कर सकता है पर रिप्लेस नहीं कर सकता, ये फेस वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता जो एक इंसान क्रिएट करता है। जैसे उसका बर्थ होता है, वो फेस वैल्यू, जब भी किसी इंसान का बर्थ होता है वो अपना फेस वैल्यू बनाने लगता है कि हाँ मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ तो इसी चीज पे परफेक्ट रहना है मेरे को, ठीक है। तो धीरे धीरे वो अपने जिस गोल को अचीव करना है उसमें वो मास्टरी करने लगता है। जैसे जैकी चैन, सबको पता है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स में एकदम परफेक्ट, तो वो उसका एक फेस वैल्यू है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के नाम पे अगर कभी भी नाम लेना रहा तो हम जैकी चैन का ही नाम लेंगे, ठीक है। या फिर माइकल मून वॉकिंग के लिए उसने फेस वैल्यू बनाया था कि मून वॉकिंग करता है तो उसका फेस वैल्यू मून वॉकिंग से ही बना, अगर वो एक्टिंग करने जाता तो उसका फेस वैल्यू उतना नहीं बनता, ठीक है। ये जो चीज है ना, फेस वैल्यू या फिर जो रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ इस इंसान को हम इसी के कारण जानेंगे कि इसका, जैसे ऋतिक रोशन का वो क्लासिक डांस जो था 90s के एरा में बहुत फेमस था, तो उससे उसका कल्ट फॉलोइंग बना कि हाँ उसका डांस मूव्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एआई रेप्लिकेट तो कर लेगा लेकिन खुद का कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, वो रैंडम फेसेस जनरेट कर लेगा लेकिन एक फेस को लेके वो ह्यूमन का फीलिंग नहीं बना पाएगा। थोड़ा डीप जा रहा होगा मेरा बात, पर एक्चुअली में ये चीज है कि भले ही एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, हम लोग को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर जाए, पर वो जो इनर टैलेंट होता है एक ह्यूमन का, उसको वो कभी मिमिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो ह्यूमन का जो इमोशन होता है ना, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को स्प्रेड करता है कि हाँ जो मैं इमोशन फील कर रहा हूँ वो तुम भी फील करो, तो ये एआई कभी फील नहीं करवा पाएगा ये इमोशंस को। अगर इंसान सैड है तो एआई ट्राई करेगा हैप्पी करने का उस इंसान को, लेकिन फिर इन दी एंड वही होगा कि इंसान अगर सैड है तो सैड ही रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये एआई है, जस्ट एक प्रोग्राम है, बंच ऑफ बल्क ऑफ कोड से बना हुआ है। अगर उस एआई के जगह उसके साथ कोई इंसान बैठे रहा उसके बैड मोमेंट पे, तो वो इंसान उसकी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा इंस्टेड ऑफ वो एआई। एआई एज असिस्टेंट बहुत अच्छा है, रिप्लेसमेंट के नाम पे ये अभी तक तो पॉसिबल नहीं है जिस हिसाब से। हाँ, आप सिंगिंग एग्जांपल लिया था ना मैंने, तो मैं एक सिंगिंग पे ही एक एग्जांपल दोबारा से लेना चाहूँगा कि आप सिंगर हो, ठीक है, आप सिंगिंग करते हो पर आपको सॉन्ग राइटिंग नहीं आता है, ठीक है। एज अ असिस्टेंट आप उसको कमांड दे सकते हो कि मेरे लिए परफेक्ट रोमांटिक या परफेक्ट एंग्जाइटी वाले सॉन्ग्स बना के दो, लिरिक्स बना के दो, और आप उसको अपने हिसाब से एज अ सिंगर गा सकते हो, ठीक है। ये काम पॉसिबल है, जैसे मूवीज में हम देखते हैं, टोनी स्टार के बहुत सारे मूवीज देखे हैं जिसमें उसने एज अ असिस्टेंट अपने असिस्टेंट से काम करवाया, पर मेन काम वो मेन डिसीजन वाला पार्ट जो होता था टोनी का वो वही लेता था। एआई पे उसने कभी डिसीजन लेने वाला चीज छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो एआई पे डिसीजन लेने वाला पार्ट छोड़ देगा तो हो सकता है कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन जिन्हें लेना जरूरी होता है नहीं होता है, ये इंसान ही ले सकता है कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, वो इंसान ही डिसाइड कर सकता है। अब वैसा डिसीजन एआई लेने लगेगा तो हो सकता है वो कुछ बड़े वॉर क्रिएट हो जाए अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जो कि कोई नहीं चाहता है वैसी चीज़ें। एक बार उसने डिसीजन ले लिया तो आगे वाले को कैसा फील हुआ उस डिसीजन से, एआई का एक डिसीजन आगे वाले को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, गुस्सा कर दे रहा है या हैप्पी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, वो एक वॉर छेड़ सकता है। बचा कैसे जाए और इसका सॉल्यूशन क्या है, जे कि लोगों को डर लग रहा है कि लाइक एआई रिप्लेस कर देगा, तो देखो रिप्लेस करेगा, नौकरी छीनी जाएगी, ये बात तो सच है, ठीक है। इससे तुम भाग भी नहीं सकते कि एआई आपकी नौकरी छीन लेगा, एआई नहीं छीनेगा। जो लोग एआई को अडॉप्ट कर लेंगे अपने पाइपलाइन में, एआई को ऐड कर लेंगे किसी तरह से, एनी हाउ, जो सॉन्ग गाता है वो सॉन्ग राइटर, जिसको गाना गाना आता है उसको सॉन्ग लिखना नहीं आता है, तो वो सॉन्ग एआई से लिखवा लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। पर जो एआई यूज़ नहीं करेगा, मान के चलो कोई ऐसा सिंगर है जो अभी भी पुराने ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहा है, जिसमें वो खुद से गाना लिखता है, खुद से गाता है, अगर वो एआई को अडेप्ट नहीं करता है तो वो पीछे रह जाएगा। पर जो एआई को अडेप्ट कर लिया, एज अ असिस्टेंट उससे काम करवा रहा है,
वो आगे बढ़ जाएगा। अभी का एरा वो है। अपना वीकनेस को एज अ स्ट्रेंथ में चेंज करवा सकते हो, लेकिन आप अगर वही एआई से आप नहीं करवा रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ नहीं बना रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। और अब से मैं सोच रहा हूँ वीक में ट्राई करूँगा एटलीस्ट 2 यूट्यूब वीडियो आए, एक नॉर्मल एआई के ऊपर हो और एक जो मैं जिस पे मेरा ये चैनल बना हुआ है उसके ऊपर वीडियो हो। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये वीडियो अभी जब अपलोड होगा तो पता चल जाएगा। तो एआई को एज अ असिस्टेंट यूज़ करो, ना कि ऐसा सोचो कि वो यार नौकरी खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। कैसे यूज़ करना है, अगर आप 3D आर्टिस्ट हो या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मोस्टली हम लोग को स्टॉक वीडियोस चाहिए होता है, स्टॉक फोटोज़ चाहिए होता है, स्टॉक म्यूज़िक चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हर बार ख़रीदना पॉसिबल नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, साउंड का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हमको हर एक चीज़ मिल ही जाए। बहुत बार हमें पे भी करना पड़ता है बहुत सारे चीज़ों के लिए। हाँ, इस मामले में AI अच्छा है। क्यों? क्योंकि AI से आप जनरेट करवा सकते हो म्यूज़िक्स वगैरह। अगर आपको किसी वीडियो एडिटिंग में किसी भी कोई म्यूज़िक पीछे में चाहिए स्मूथिंग सा, या फिर कुछ वीडियो ऐसा चाहिए जो स्टॉक, भले ही वो स्टॉक वीडियो है पर वैसे ही कुछ मिलता जुलता वीडियो, आप अगर जनरेट करवा सकते हो AI के थ्रू तो आप आगे बढ़ जाओगे। जो काम करने के लिए आपको बल्क ऑफ मनीज देने पड़ते थे किसी और को, वो आप जस्ट AI से बनवा के अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो वो लोग अच्छा सा सीख जाएंगे AI का यूज़ करना, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, और जो लोग AI का यूज़ करना नहीं सीखेंगे वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। AI ना यूज़ करने का नुकसान ये होगा, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे साउंड इफ़ेक्ट्स हमेशा चाहिए होते हैं, स्टॉक वीडियोस चाहिए होते हैं, स्टॉक पिक्चर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मंथली किसी को पे करता हूँ कि यार तुम मेरे को साउंड बना के दो, साउंड वीडियो कुछ वैसा फुटेज उठा के दो, या फिर फोटोज़ तुम क्लिक करके दो मेरे को। तो इससे मेरा महीने का 5,000 किसी को देने में चला जा रहा है। इंस्टेड ऑफ अगर मैं AI यूज़ करता हूँ, पैसा है वो कहीं जा नहीं रहा है, मैं मोस्टली वो काम फ्री में AI से करवा रहा हूँ। जो काम मैं प्रैक्टिकली, जिसको मेरे को करने में 3-4 दिन लग जाता था, स्टॉक वीडियोज़ अपने मनपसंद के सर्च करने में टाइम लग जाता है, स्टॉक फोटोज़ मनपसंद के सर्च करने में टाइम लग जाता है, स्टॉक वीडियोज़ ये सब सर्च करने में टाइम लग जाता था, वो मैं जस्ट अब AI से बोल दे रहा हूँ कि तुम ये बना के दो मेरे को, वो बना के अगर मेरे को पसंद है वो बना के दे दे रहा है। AI मेरे को बना के दे दे रहा है। अब मेरे को क्या करना है, बस अपने वीडियो में ऐड करना है और मेरा वीडियो कंप्लीट, वीडियो एडिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एज अ असिस्टेंट AI को यूज़ किया। मैंने बोला कि तुम मेरे को एक सीन बना के दो जिसमें एक पहाड़ी इलाका है, उसके आसपास में समुद्र है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोला। अब ये चीज़ अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करने जाऊँ तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है एक बार को ना मिले, लेकिन मेरे को वीडियो में ऐड तो करना है ना। तो इस काम में AI हेल्प कर देगा, वो रैंडमली ऐसा वीडियो या फोटो को जनरेट करेगा। एक पहाड़, बड़ा सा पहाड़ होगा पानी के बीचों बीच में, वो एज अ वीडियो मेरे वीडियो एडिट में यूज़ भी हो जाएगा। AI को ऐसा मत समझो कि वो एक सेकेंडरी इंसान है, वो सेकेंडरी इंसान नहीं है, वो जस्ट एक असिस्टेंट है। पहले भी हम AI को यूज़ करते थे, जब कंप्यूटर नया नया आया था सब किसी के भी घर में, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर भी यूज़ करते थे तो उसमें भी AI होता था, जो अलग से कैलकुलेटर आता था। नॉर्मली जो फोटोशॉप पे हम लोग यूज़ करते थे क्विक सिलेक्शन ब्रश, अगर आप फोटोशॉप पे हो तो आपको पता होगा क्विक सिलेक्शन ब्रश से सेलेक्ट करने से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। तो वो कैसे करता है, वो AI से ही करता है, वो खुद उसका AI डिटेक्ट करता है कि इस फोटो में कहाँ पे मेरा फोरग्राउंड में कौन सा मेन सब्जेक्ट है। भी ना करें ना, अब अभी के टाइम पे मान के चलो AI डिस्कवर, AI वर्ड किसी ने सुना ना होता, ठीक है, और सब अभी फोटोशॉप का 2015 वाला, 2018 या 20 वाला वर्जन ओपन करके देखना, 2018 वाले वर्जन में AI था भी नहीं, ठीक है। अभी तुम 2018 वाला फोटोशॉप ओपन करके देखो, ठीक है, उसमें कोई भी अपना फ़ोटो को ऐड करो और वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब मैंने तो बताया नहीं अपने फोटोशॉप को कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तो फिर उसने खुद से ऑटोमेटिकली कैसे सेलेक्ट कर लिया। डैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ तो AI टर्म यूज़ हो रहा है हिडन, मतलब छोटा सा ही AI का पार्ट है लेकिन वहाँ भी फोटोशॉप पे यूज़ हो रहा है, और वो फोटोशॉप को बता रहा है कि ये है मेरा कैरेक्टर और इसका पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, फेस कहाँ पे है और कहाँ कहाँ को सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स तब भी AI था, आज भी AI है। वीडियो एडिटिंग में भी वैसे ही कि कट्स वगैरह लगाने हैं, ऑटोमेटिक कट्स, और जिसको कट्स लगाने में टाइम लग रहा है मेरे को, ठीक है, तो ऑटो कट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था पहले,
इसमें होता क्या था, ऑटोमेटिकली वो जो साइलेंट एरिया है आपके वीडियो ऑडियो पार्ट में उसको कट करके हटा देता था, ठीक है। तो उसको कैसे पता चला कि उतना देर में शांत था, दैट मीन्स वहाँ भी AI यूज़ हुआ है। अगर मैनुअल लेबर होता तो मेरे को खुद से कट करना पड़ता हर एक चीज़, ठीक है। अगर वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे AI टर्म यूज़ हुआ है, AI का छोटा सा कोड वहाँ ऐड किया गया है ताकि काम को आसान किया जाए। अब 3D के ही हिसाब से बताऊँ तो 3D में दो तरह का UV अनरैपिंग होता है, ठीक है। अनरैपिंग पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले होता है मैनुअल अनरैपिंग, ठीक है, सबको पता है। उसमें हम लोग खुद से अनरैप करते हैं, एक एक एजेस को सेलेक्ट करके अनरैप करते हैं। और एक होता है स्मार्ट UV अनरैप, ठीक है। ये बस एक क्लिक करना होता है और वो उस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली काट देता है। अपने 3D सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताया कि मेरा मॉडल क्या है और कैसे काटना है, उसने ऑटोमेटिक कैसे काटा, यानी कि वहाँ भी सोर्स ऑफ AI था पर हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि वहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में AI है, तो हम ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते थे। क्योंकि अभी ChatGPT जब से आया तब से ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है, AI, इसलिए सबको डर लग रहा है। लेकिन पहले भी AI था, लेकिन हम लोग इग्नोर करते थे या फिर हम लोग नज़रअंदाज कर देते थे। फोटोशॉप में भी था, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में भी था, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, कैप कट, डाविंची, हर जगह था। लेकिन इतना कम अमाउंट में था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर हो जाता था वो। लेकिन अभी इतना ज़्यादा अमाउंट में आ गया है, अब लोगों को डर लगने लगा है। तो मोस्टली डरने का नहीं है, वो बस काम आसान करने के लिए आया गया है और उसका कोई फेस वैल्यू नहीं है, तो हमारे लिए और एडवांटेज है। हमारा फेस वैल्यू, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में मास्टर हूँ, हम अपना फेस वैल्यू बना सकते हैं। पर ये काम कोई भी AI नहीं कर सकता है, खुद का फेस वैल्यू बनाना, कुछ यूनिक क्रिएट करना, ये काम AI का नहीं है, ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि AI को यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने डेली बेसिस पे, ठीक है, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो वगैरह वगैरह। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीक के दो वीडियोज़ हैं, एक AI के ऊपर एक और एक नॉर्मल मेरा जो ब्लेंडर के ऊपर है वो। अगर नहीं भी आता है तो पर AI पे मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।